नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों लाइमलाइट से दूर है। आखिरी बार कैटरीना करण जौहर की बर्थडे पार्टी में स्पॉट हुई थी, इसके बाद से उन्हें देखा ही नहीं गया। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी अपने बारे में कुछ खास फैंस को बता नहीं रही। ऐसे में अब अभिनेत्री को लेकर फैंस अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। फैंस का अनुमान है कि कैटरीना जल्द ही मां बनने वाली है। दरअसल एक न्यूज पोर्टल ने फैंस से कैटरीना कैफ से जुड़ा एक सवाल किया था। फैंस से पूछा गया कि कैटरीना लाइमलाइट से क्यों दूर है। इस पर फैंस ने अपने अलग अलग जवाब दिए। इस सवाल का जवाब देते हुए कई फैंस ने अंदाजा लगाया कि कैटरीना कैफ मां बनने वाली है। एक फैंस ने लिखा, शायद वो प्रेग्नेंट है और उन्हें आराम की जरूरत है। दूसरे ने लिखा, कैटरीना प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान करेंगी। इसी तरह बाकी फैंस ने भी कैटरीना को प्रेग्नेंट बताते हुए लिखा कि वो अभिनेत्री को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपना आखिरी पोस्ट 28 जून को किया था। अभिनेत्री ने अपनी अपकमिंग फिल्म फोन भूत का पोस्टर शेयर किया था। इसके बाद कैटरीना का एक भी पोस्ट सामने नहीं आया। एक्ट्रेस ने अपनी आखिरी फोटो भी करण जौहर की बर्थडे पार्टी के दौरान ही शेयर की थी। कैटरीना कैफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री के कई फिल्में रिलीज के लिए लाइन में लगी है, जिसमें फोन भूत के अलावा टाइगर 3, जी ले जरा और मेरी क्रिसमस शामिल है। टाइगर 3 में कैटरीना जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगी, जिसकी झलक अभिनेत्री ने कुछ समय पहले ही दिखाई थी। वही विकी कौशल गोविंदा मेरा नाम में डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की अनटाइटल फिल्म मौत तख्त में नजर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।